नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो अध्यायारम नमो लोए सवसाहुलम शुद्धात्मान मनिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदी संदर्श्य सिद्ध्यर्थम संदर्श्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्यात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद्विद्या दर्पणायते। अपने ज्ञान दर्शनमय स्वरूप के बिना अतिरिक्त अन्य किंचन मात्र भी मेरा नहीं है, मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं हूँ, ऐसे अनुभव को आकिंचन धर्म कहते हैं। इस धर्म की प्राप्ति के लिए हे आत्मन भो आत्मन, अपने आत्मा को अर्थात अपने को देह से भिन्न ज्ञानमय अनुपम स्पर्श रस गंध वर्ण रहित अपने स्वाधीन ज्ञानानंद सुख से परिपूर्ण परम अतीन्द्रिय भय रहित अनुभव करो। आकिंचन धर्म और आकिंचन धर्म के प्राप्ति की विधि उपाय दोनों इन बातों में आ गए। अकिंचन अपना कुछ भी नहीं है, परंतु अपना कुछ भी नहीं है तो क्या शून्य है अपना स्वरूप? अपने ज्ञानादिक भाव के अतिरिक्त अपना कुछ भी नहीं है, याद लगाना चाहिए। संसार में कोई शरण नहीं है, याद लगाना चाहिए। जिनके भरोसे हम बैठे हैं, हमारा तो शरीर बहुत अच्छा है, हमारे पास तो बैलेंस है, हमारे तो चार लड़के हैं, हमारी तो इतनी सेना है, ये सब शरणभूत नहीं है। हमने तो अमुक देवी देवता को साथ दिया है, मंत्रों को साधा है, हमने सिद्ध किया है, तो कि ये सब शरणभूत नहीं है। क्या आत्मा संसार में कोई शरण नहीं है? ऐसा नहीं, अपने लिए अपना शुद्धात्मा सदाकाल शरणभूत है। ऐसा शुद्धात्मा की शरण से अथवा शुद्धात्मा की शरण पूर्वक आनंद मग्न रहने वाले पंच परमेष्ठी भगवान कह रहे हैं, इसलिए उपचार से वे भगवान पंच परमेष्ठी हमारे लिए शरणभूत है। व्यवहार से शरणभूत हैं, क्या अर्थ हुआ कि उनके सानिध्य में उनकी साक्षी में हमें आत्मा शरण है, यह भली भांति भाषित होता है। जैसे नग्न दिगंबर मुनिराज निर्गंत मुनीश्वर नग्न दिगंबर मतलब न वस्त्र न घर न कोई व्यवस्थाएं, जिनको आप व्यवस्थाएं कहते हो, वे सब बिल्कुल नहीं है, और उनकी प्रसम मुद्रा इस बात की द्योतक है कि इनके अंतरंग में अनंत शांति है। उनका दर्शन करते ही यह बात थोड़ी सी समझ हो, पढ़ा लिखा हो तत्व का, तो भली बात समझ में आ जाती है। देखो परिग्रह सुख में बाधक है, परिग्रह के बिना सुख हो सकता है, देखो है कि नहीं?
शरीर के बिना आत्मा का अस्तित्व है, देखो सिद्धालय में है कि नहीं। परिग्रह के बिना सुख है, देखो मुनीश्वर। हम मानते हैं पैसा के बिना कुछ नहीं होता, जबकि पैसा के बिना ही आराधना होती है, पैसा के बिना ही सुख होता है। तो उस नग्न दिगंबर निर्गंत स्वरूप को देखने से यह बात समझ में आ जाती है, ये दृष्टांत रूप है। आप पढ़ते ना गुरुवर, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक है, नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जबकि नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला। तो ये कथन है, वो स्यात शब्द लगाना चाहिए ना, शरण नहीं है, मतलब आत्मा के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। पहले एक चर्चा की थी प्रश्न के माध्यम से, जब आपका जन्म हुआ तब आप कुछ लेकर के आए थे? आपका यहां जन्म हुआ कुछ लेकर के आए थे? किसी विवक्षा से ये बात सत्य लगती है, कुछ लेकर के नहीं आए थे, नंगे जन्म हुए। लेकिन कैसी बातें करते हो आप, नहीं लेकर के आए तो यहां कैसे आ गए, और जगह क्यों नहीं गए? बहुत पुण्य लेकर के आए तब तो आप श्रावक कुल में जन्म लिया है, ऐसी माता मिली है जो लोरी सुनाई उसने, वो तुम्हें मंदिर लेकर के आई, उसने कहा जाओ पाठशाला जाओ, ऐसी माता पुण्य से मिली कि वैसे ही मिल गई, हर एक को तो नहीं मिली। गंदी बात, क्या करते हो? माता ने ऐसे टोंका आपको समय समय पर, ऐसी माता नहीं मिली जो आप स्कूल से कुछ चुरा लाए तो चलो अच्छा है रख दो, किसका है कहां से लाए दे के आओ, कभी ऐसा काम नहीं करना। ये संस्कार देने वाली माता मिली वैसे ही मिल गई, तो सब गलत कहते हैं, कुछ लेकर के नहीं आए। कि नो कर्म की अपेक्षा स्थूल कथन है कि कुछ लेकर के नहीं आए, लेकिन बहुत पुण्य लेकर के आए। ये ऐसी समझो जैसे आज व्यापारी बाहर जाता है, नोट पानी कुछ नहीं ले जा रहा, लेकिन उसके पास एक कार्ड है, चेक है, एक व्यवस्था है, क्यों क्या लेकर के गए, कहां जा रहे माल लेने, क्या लेकर के जा रहे? कुछ नहीं, वहां ट्रांसफर है, वो इस प्रकार का, वो है ना उसकी सेटिंग है। ऐसे ही आप कुछ लेकर के नहीं आए, कैसी बातें कर रहे, बहुत कुछ लेकर के आए। एक लोगों के दिमाग में ये घुसी रहती है, अपन को तो मुफ्त में मिल गया, मुफ्त में नहीं मिलती कोई चीज, ध्यान रखना, एक घूंट पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, किसी को पानी पिलाया होगा तो आपको पानी पीने के लिए मिला है। अपन को तो मंदिर बने बनाए मिल गए मुफ्त में, मुफ्त में नहीं मिल गए, कहीं मंदिर बनाए होंगे, मंदिरों की पूजा उपासना की होगी, संभाल की होगी, आदर भाव किया होगा, तो ये भावना भाई होगी, कहां हम जन्मे या मंदिर नहीं है भैया क्या करें। जिन मंदिर को देख देख करके हा हा इनके यहाँ कैसी पूजा हो रही, कैसी वक्ति, कैसे अच्छे लोग हैं, ऐसी भावना भाई होगी, अनुमोदना की होगी, तब आप जैन कुल में जन्म लिया और जैन मंदिर मिले आपको। कहीं शास्त्र हो रहा होगा तो आपने अनुमोदना की होगी, भावना की होगी, हम पे टाइम नहीं है, हम पर होता तो हम भी साथ सुनते पढ़ते, तब ये आ यहां बैठे आप। बहुत लेकर के आए, और ये बात सत्य है, कुछ लेकर के नहीं आए, सही सवाल है। सियाद है ये अनेकांत का प्रसाद है, कहीं विरोध भाषित नहीं होता, कुछ लेकर के जाएंगे कि कुछ लेकर के नहीं आएंगे, क्यों कुछ लेकर के नहीं आएंगे आप?
भगवान जब सिद्धालय में जाते हैं तो भी वो अपना अनंत वैभव अनंत चतुष्टय साथ लेकर के जाते हैं, छोड़ करके नहीं जाते। जो अपना है वह अपने साथ रहता है, जो अपना नहीं है वही छूटता है। और संसार अवस्था में जीव वर्तमान में जो परिणाम होते हैं उन परिणामों का तो व्यय हो गया, लेकिन उस परिणाम से जो बंध होता है कर्म का, वो कर्मण वर्गण साथ जाती कर्मण शरीर संसार अवस्था में। आप लेकर के जाएंगे कुछ, अब क्या लेकर के जाना ये बात को सोचो। इसलिए आर्यभ धर्म में कहा था, याद हो तो, कि हम समझ आए हमने इनको ठग लिया, इनको ठग लिया, इनको नहीं ठगा है। आपने अपने पुण्य का क्षय किया और पाप का बंद किया, त्रियंश गति बांधी, मनुष्य पर्याय के बदले में त्रियंश पर्याय ले रहे, आप अपने को ठग रहे हो। आपके पास खूब माया है, आप दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे, आप दरिद्र होने की तैयारी कर रहे हैं। बताया था ना, भिक्षुक नहीं मांगते घर घर देते ज्ञान, देव देव ही सत्पुरुष नहीं दिया मो ज्ञान। भिक्षुका ने याचनते बोधयंते ग्रहिगा, ये भिखारी मांगते फिरते हैं, ये आपको ज्ञान दे रहे हैं, होने पर भी दान न देने का फल यह है। एक वाक्य और कहा था, बातें तो बे ही है, हम कहना क्या कहें, हम कहां से आए हैं ये कोई महत्व की बात नहीं है, कहां जाना ये महत्व की बात समझना। यहां से आना था वो आ गए अपन, यहां उस पर ज्यादा वजन मत दियो, लेकिन आपको जाना कहां है। वहां जाने के लिए कौन सी गाड़ी में बैठ रहे हो, उसकी टिकट कहां से मिलती है, जहां जाना उसकी बात सोचो। अरे मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो मिल जाए, भले आदमी स्वर्ग भी कैसे मिलता है ये तो बता, क्या पुण्य से पुण्य भी कैसे होता है, धर्मानुराग से, धर्म को समझ। धर्मात्मा जीव स्वर्ग नहीं चाहता और स्वर्ग मिलता उसे, ताकि मार्ग में दिव्य समाज मार्ग में आते हैं ये स्वर्गादिक के पद इंद्रादिक के पद। और ये मोही प्राणी स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग नहीं मिले उसे, हमें तो मोक्ष चाहिए, ये भजन में गाते हैं ना, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। हमने कहा सुनो इधर आओ, तुम्हें पूर्ण दशा चाहिए तो अपने को सदाकाल अपने में पूर्ण देखो, पूर्ण स्वभाव के लक्ष्य से पूर्ण दशा आएगी। यदि तुम्हें पूर्ण दशा चाहिए तो आप अपने को अपने में ही पूर्ण देखो, यदि अधूरा देखकर बाहर से पूर्ण होने की कोशिश करते रहोगे तो ये परिग्रह जुड़ता रहेगा, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, सब हैं अपने में पूर्ण। हमें तो सुखी होना है तो अपने को सुख स्वरूप देखो, अपना सुख अपने में देखोगे, अपने को सुख स्वरूप देखोगे तो तुम्हें सुखी होने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सुखी होने का उपाय ही है अपने को सुख स्वरूप देखो। हमें तो भगवान बनना है, बहुत अच्छी बात है, परंतु फिर क्या करोगे बेटा बोलो, कि भगवान की रोज पूजा करेंगे अपन, कि भगवान की पूजा से पुण्य बनेगा तो तुम स्वर्ग में देवादिक बन जाओगे, मेढक देव बन गया पूजा के भाव से। नहीं हमें देव नहीं इंद्र विंद्र नहीं बनना, हमें तो भगवान बनना है, तो कि अपने को भगवान देखो।
रागादिक भावों से शून्य होते हैं भगवान, ज्ञानादिक से पूर्ण होते हैं। तो आप अपने को रागादिक से शून्य और ज्ञानादिक से पूर्ण देखो, वैसे ही आंख बंद करके नहीं, भ्रम से भली प्रकार से निर्णय करके कि दिखता तो है नहीं, कि दिखता है नहीं, दिखेगा देखता नहीं, भली प्रकार निर्णय करके अंतर्मुखी उपयोग हो, अपने उपयोग को पांच इंद्रियों से समेटे बुद्धि को, तब दिखेगा। तो अकिंचन में भी स्यात् पद लगा लेना चाहिए, आत्मा स्यात् अकिंचना। अकिंचन का भाव अकिंचन निकला था, है ना? तो आत्मा स्यात् अकिंचन, शून्य है पर भावों से, आत्मा का कुछ भी नहीं है आत्मा के अतिरिक्त, आत्मा के लिए कोई शरण नहीं है आत्मा के अतिरिक्त। अकिंचन है परंतु दरिद्र नहीं, अकिंचन तो है, दरिद्र नहीं कह सकते। मुनराज के पास धन नहीं है, धन है लेकिन निर्धन नहीं कह सकते, निर्धन नहीं कह सकते। निर्धन उसी को कहते थे धन नहीं है, तो मुनराज पे धन नहीं है, कहो निर्धन। नहीं कह सकते, क्यों? कि धन नहीं है बाहर का, अंतर में रत्नत्र धन है उनके पास, परंतु भगवान अनंत चतुष्टय के धनी। मुनिराज रत्नत्र निधि उर धरे और निर्गंध त्रिकाल, जैसे आप अपने घर में साल भर का अनाज रख करके निश्चिंत हो जाते अपने। अब बरसात में, अब तो समय बदल गए, व्यवस्थाएं बदल गई, और नहीं तो बरसातों में मतलब बड़ी परेशानी होती, अनाज साफ शुद्ध नहीं मिलता। तो साल भर का रख करके अपने व्यवस्थित करके अपने निश्चिंत, अपने साल भर का लेके रख दिया, ठीक है ना? तो जिसके घर में रखा वो तो निश्चिंत हो गया। अब पानी बरस रहा, बाजार खुल नहीं रहा और अनाज नहीं है, अब जिसके घर में नहीं रखा वो तो आकुलित होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिसके घर में रखा निश्चिंत, 8 दिन नहीं खुले 6 दिन नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे घर में तो रखा है। ऐसी जिसके घर में रत्नत्र निधि है वो निश्चिंत है, हमें जरूरत नहीं है। अब अंदर का दिखे नहीं और भीतर बाहर का छोड़े तो आकुलता ही हो और कोई मतलब नहीं। अकिंचन का अर्थ परिग्रह से रहित, परंतु अंतरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक बहिरंग परिग्रह से रहित। देखो, आत्म स्वभाव में संतुष्टि हो और बाहर में धन नहीं हो तो आनंद है, और आत्मा की खबर ना हो और बाहर में धन नहीं हो तो आकुलित होगा। ये हमारे जीवन की विसंगतियां हैं, आत्मा को लक्ष्य किए बिना सारी बातें हम करते रहते, क्या करें? इतना बुरा जमाना है, कोई किसी का नहीं है, जिसको अपना मानो वही धक्का देता है, वही धोखा देता है। सच्ची बात है, आज के समय में सच्ची बात है। अरे आज का समय हो चाहे कल का समय हो, इसमें गलती आपकी है। आप अपने को अपना मान के देखो, फिर कोई धोखा दे तो बताओ। आप आत्मा को अपना मान करके देखो, अगर धोखा दे फिर हमसे कहना। आप धोखे देने वाले का वो अपना मान देखे हो, क्षण क्षण में बदलने वाले इन शरीर और संयोगों को छोड़ करके चले जाने वाले शरीर और संयोगों को आप अपना मान देखे हो,
उन्होंने कब कहा था हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम हमारे बल पर निश्चिंत रहो। तुमने ही तो मान लिया था हमारे पास पैसा, हमें कोई चिंता नहीं, हमने तो 20 लाख अपने बैंक में जमा कर दिए, 50 लाख जमा कर दिए, अपन निश्चिंत, अपने तो अपन कोई चिंता नहीं, अपना तो इतना किराया आता है, अपने निश्चिंत। और वैसे लड़के भी हमारे अच्छे हैं, कोई खराब नहीं, तुम तो अच्छे हो, अरे भैया पाप का उदय हो, कहो तो तुम्हारी नकली दस्तखत करके बैंक में से निकाल रहा, तुम देख फिर रहो पीछे से। ऐसी ऐसी घटनाएं भी सुनने में आ जाती हैं, कभी कभी बच्चे पिता के मरे का सर्टिफिकेट लगा के निकाल के धर लगे, अब वो हैरान है। सच्ची घटनाएं ये एक दो, अरे रे प्रभु किसके बल पर निश्चिंत होता है, तत्व ज्ञान है हम निश्चिंत हैं, तत्व ज्ञान के बल पर निश्चिंतता होती है। आत्मा में चिंता के लिए अवकाश नहीं है, अपने को आत्मा समझे तो निश्चिंत भविष्य, निश्चिंत जीवन अनंत काल, और नहीं तो निश्चिंतता की भ्रम है, भ्रांति है तुझे। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है उसे ही मेरा नहीं है ये कहा जा रहा है, लेकिन परमाणु मात्र अपना न होने के कारण कहीं अपने स्वरूप में कोई न्यूनता नहीं है, ये कहना है। आगे की धर्म में आएगा, परमाणु मात्र अपना नहीं है तो भी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, परम ब्रह्म। पर भाव से भिन्न है, परंतु आपूर्ण माध्यम तो विमुक्त मेकम, क्यों पराई वस्तु पर नियत जगाते हो, क्यों अभिलाषा करते हो। सच्ची बात तो ये है तुम्हारा वैभव ही इतना है कि अनंत काल में नहीं भोग पाओ, एक सज्जन ईमानदार धनी व्यक्ति से कहा, ये पड़ोस की जमीन है कर लो कब्जा, हम सब देख लेंगे नेताजी। बोले भैया काय को ऐसी बातें सोच करते हो, हमारे पास इतनी है जे हम नहीं संभाल पा रहे, हमें नहीं जरूरत। अरे हम तो कह रहे तुम कर लो कब यार, हमें जरूरत ही नहीं है ना। आत्मा के पास सचमुच इतना वैभव है, इतना वैभव है, आत्मानंद, आत्मा की शक्तियां संख्या अपेक्षा भी अनंत और एक एक शक्ति की सामर्थ्य भी अनंत। उसकी एक एक पर्याय की सामर्थ्य अनंत है। सारा लोकालोक युगपत एक साथ अपने बिना ऐसे देखे दिख जाए, ऐसी केवल ज्ञान की सामर्थ्य, और केवल ज्ञान अनंत काल तक जिसमें से प्रकट होता रहे, सहज ज्ञान की सामर्थ्य, ऐसी ज्ञान आदि अनंत शक्तियां। चक्रवर्ती की नौ निधियां पर निज निधियों का पार नहीं, चौदह रत्न चक्रवर्ती के, आत्मा तो रत्नाकर भंडार ही जरा हो तुमको, सोचने का तरीका एक और बदल लेना, एक सिद्धांत अपने जीवन में समझना, जो हमारे पास नहीं है उसकी हमें जरूरत ही नहीं है।
इतना पूर्ण स्वरूप है, जो हमारे पास नहीं है उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं भाषित हुई, शास्त्रीय शब्द बोलो, उसकी अपेक्षा नहीं रही, निरपेक्षता उधर से हुई, उसी का नाम तो त्याग है। प्रवचन सार जी में अपरिग्रह की चर्चा में कहा कि देखो, जब तक निरपेक्ष त्याग नहीं होता तब तक भाव विशुद्धि नहीं होती। निरपेक्ष त्याग शब्द लिखा है, निरपेक्ष त्याग का मतलब हमें उससे कोई अपेक्षा ही नहीं है। हम खुद समर्थ है ना, हमारे पैरों में इतनी शक्ति है कि हम चलेंगे, हमें डंडा की जरूरत नहीं, ना तुम्हारे सहारे की जरूरत है। सहारा कमजोर को चाहिए, असमर्थ को चाहिए, आत्मा असमर्थ नहीं है। और ये ज्ञान ही आनंद रूप है, ये समझना। एक निर्धन के पास धन नहीं है, मुनराज के पास धन नहीं है, मुनराज आनंदमय है और निर्धन दुखी है। क्यों? महाराज आपके पास धन नहीं है, हमारे पास फटे पुराने तो अभी हैं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं पहनने को, कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? ठंड में कि आत्मा है ना हमारा आसपास ही, उसमें ठंड का प्रवेश नहीं होता। हम अपने आत्मस्वरूप को भाते हुए ध्याते हुए ऐसे आनंद में रहते हैं, ठंड का ज्ञान होते हुए भी ठंड संबंधी वेदना नहीं होती। ठंड का ज्ञान होता है, क्या ज्ञान होता है? ये शीत पर्याय पुद्गल में है, मेरे में नहीं। मैं तो अमूर्ति प्रदेश में काबू हूं। अब जिसके पास वो कोट नहीं है, कंबल नहीं, कोट नहीं है, कंबल नहीं है, बहुत ठंड आ रही है, अब क्या करेंगे? मनराज को कोई चिंता नहीं। सर जानते हैं ये ठंड है वो कोई दुखी करने का कारण नहीं है। मेरा उपयोग मेरे स्वरूप से हटकर शरीर में जाए और वहां अनिष्ट की कल्पना करे, वो दुख का कारण है। मैं अपने अशरीरी स्वरूप को, अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्यात्म स्वभाव को ध्याते हुए आनंदमय हूं। कोई डाल जा कंबल तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उपसर्ग समझ करके शांत रहेंगे, आकुलित नहीं होंगे। और कोई हटा दे तो कोई मतलब नहीं है, हमारे पास तो न था न है और न होगा। दी जाए तो अभी आनंद से नहीं उड़ेंगे और दुआ नहीं देंगे कि भैया अच्छे रहे, राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा। माने कमल नहीं है, कमल की अपेक्षा नहीं है, ये कहने का मतलब। घर नहीं है, घर की अपेक्षा नहीं है। आत्मा निरपेक्ष है, आत्मा में सुख शक्ति है, उस सुख को अपेक्षा नहीं है कि बाहर में इंद्रियां हों, विषय हों, उनमें प्रवृत्ति हो तब हम सुख रूप पर्ण में। एक सिद्धांत है, समय सार जी टीका में आया, जो शक्ति नहीं है वह किसी अन्य के द्वारा दी नहीं जा सकती, और जो शक्तियां हैं उन्हें किसी अन्य की अपेक्षा नहीं। तो जो इसमें सुख शक्ति नहीं है उसको आप कुछ भी करो तो भी वो सुखी हो नहीं सकता, और जिसमें सुख शक्ति है उसे सुखी होने के लिए अन्य की। ये चौकी देखो बराबर रोज बैठती है स्वाध्याय में, हमसे पहले बैठी मिलती है तैयार, लेकिन आज तक इसको कुछ ज्ञान नहीं। इसके ऊपर शास्त्र, इस शास्त्र को अपने माथे रखती है, इसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, क्या ज्ञान शक्ति नहीं? और जिन्हें ज्ञान शक्ति है उन्हें सच पूछो तो आत्मज्ञान के लिए ये सुनने की पढ़ने की अपेक्षा नहीं। तुम्हें नहीं सुने, सुना ही कहां रहे हो? ऐसे कहते हो नहीं सुने, सुन कहां रहे हो? अभी भी ये सुन रहे हो कि आनंद आ गया, बाहर से आनंद की बातें सुन रहे हो,
जबकि पुकार पुकार करके कहा जा रहा है बाहर से सुख नहीं आता, बाहर से ज्ञान नहीं होता, निमित्तों से कार्य नहीं होता, लाभ नहीं होता, बार बार कहा जा रहा, लेकिन बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिला आपकी तो खूब प्रयोजन आनंद आया। आनंद की कहां आया अभी आनंद ये बताओ, प्रवचन में आनंद तुम्हारा है सो आएगा। अब साहब व्यवहार, अरे व्यवहार परमार्थ तो पकड़ पड़े, व्यवहार व्यवहार करता रहेगा। लीन भयो व्यवहार में उकत न उपजे को दीन भयो प्रपद्य पे, कहां से मुक्त हो। ऐसा लगता है आज सुनाते रहो सुनते रहे तो एक घंटा पतो नहीं पर, लेकिन असंभव है हम सुनाते रहे तुम सुनते रहो। पहले तो हमारी भी ताकत नहीं हम सुनाते रहेंगे, और मान लो हम बैठे रहे तो दो घंटे अगर बैठे रहे तो भाव से न जाने कितने उठ जाएंगे हाथ, तो बहुत देर। तीन घंटे बैठे रहे तो और आप कहते हो ऐसा लगता है, लगता है ये भ्रांति है तुम्हें, होश नहीं है। आत्मा में ही अनंत काल रहा जा सकता है, और कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें आप रम सके। उपयोग के टिकने के लिए कहीं गुंजाइश नहीं है, ये समझो कहीं नहीं टिक सकता। कितने ही सुख की कल्पना से यह जीव उस पर पदार्थ की ओर देखे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे उपयोग को हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि वहां सुख नहीं है, देवगति दुख रूप है, उसका लक्षण दिया प्रवचन सार जी। एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में क्यों प्रवर्ते अगर दुख रूप नहीं होता तो। सबकाचार्य जी ग्रंथ में कई बार ऐसे दृष्टांत हैं, भैया यदि कोई पीड़ा नहीं हो तो कड़वी औषधि कौन खाए, वो सेक क्यों करे बात का दर्द जिसको नहीं होता। हम उसको आपके ऐसे क्यों बदले वो बेर बेर, अगर कोई तकलीफ नहीं हो, आपको तकलीफ नहीं हो तो आप क्यों सोएं, तकलीफ नहीं हो तो क्यों उठें, घूमने क्यों जाएं और फिर बैठ क्यों जाएं। लेटी लेटी बोर हो गए, चलो आप घूम आए, और घूमते घूमते थक गए आप बैठ जाएं, अब सो जाएं, ये क्या है विधि। इसका मतलब है न बैठने में सुख है, न घूमने में सुख है, न सोने में सुख है, ये कल्पना है आपकी। भ्रांति हुई है तुझे, जहां भ्रांति है वह शांति नहीं है। भ्रांति मिटे तो शांति का मार्ग समझ में आए, शांति मिले। और भ्रांति कैसे मिटेगी, टोटेमल जी की भाषा बोलो, सच्चे उपदेश से निर्णय में उपयोग लगा, निर्णय करे तो भ्रम मिटे। इससे पहले की लाइन बोलो, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। तो पंडित जी भ्रम कैसे मिटे है? कि सच्चे उपदेश से निर्णय करें। अब उपदेश तो सुन रहे हैं लेकिन निर्णय करें। अकिंचन है परंतु निर्धन नहीं, दरिद्र नहीं, अधूरा नहीं, असमर्थ नहीं, दुखी नहीं, ये सब विकृतियां नहीं है। आप कोई औषधि नहीं खा रहे, बीमार नहीं, संभव है कि नहीं बोलो, है ना, सच्ची बात है। बल्कि औषधि खाना ये तो रोग का लक्षण है, औषधि अलग है भोजन अलग है। ऐसे विषयों की प्रवृत्ति अलग है और सुखी होने का उपाय अलग है। महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा ये विषय
इच्छा रूपी रोग की विपरीत औषधियां है। विपरीत औषधि समझ गए, इनसे ये इच्छा रूपी रोग बढ़ता है। ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मनवांछित जन पावे तस्ना नागिन त्यों त्यों डंके। अगर औषधि होती तो रोग मिटना था, इच्छाएं मिटनी थी, लेकिन ज्यों ज्यों परिक्रय बढ़ता जाता है त्यों त्यों तस्ना बढ़ती जाती। प्रवचन सार जी में चर्चा आया, पुण्य की तृष्णाय तंता अबाधित है। पाप के उदय में जीव को भटकना होती है और अज्ञानी जीव को पुण्य के उदय में भी निरंतर तृष्णा के वशीभूत होने से भटकता ही रहता है। ये भव समुद्र खारे पानी से भरा है। मीठे पानी का समुद्र माने आनंद का समुद्र तो तेरे अंतर में लहराता है, ये तो खारा पानी है, पियो और प्यास बढ़े। आहार संज्ञा से बचने का उपाय भोजन करना नहीं, उपवास करना है। रोटी खाने वालों की भूख नहीं मिटी, चाय जो चाय जैसे खाने वालों की भूख नहीं मिटी, उनको तो इतना पाप बंधा उसके उदय में ऐसी भूख हुई कहती इन लोग को ना जो खाए। इंद्रियों के विषयों में लंपटी जीव नरक और त्रियंची में तो जाते हैं। कितनी भूख है डलावर त्रियंचों की, ऐसे बेचारे मुंह छटपटाते फिरते हैं। किनकी भूख का अभाव हुआ, जो अपने स्वरूप में रमे उनकी भूख का अभाव हो गया। जिन्होंने उनकी सेवा करी, दान दिया, उपासना करी, उनके बताए तत्व को समझा, तो संसार अवस्था में कसाय मंद हुई, कितनी भूख घट गई। भोग भूमि में एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद इतना आंवले प्रमाण आहार, और स्वर्ग में कंठ से अमृत झरा, हजारों वर्ष के लिए भूख नहीं। खाओ खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ, यहां खाओ, वहां खाओ, बाजार खाओ, चाहे जो खाओ, चाहे जब खाओ। ऐसे लोग तो स्वर्ग में भोग भूमि में नहीं जाते ना, नरक त्रियंच में जाते हैं। तो ऐसे लोगों की भूख बड़ी है घटी बताओ, देखो तो समझ में नहीं आती क्या है। मायाचारी भीतर चलती रहती है, यहां कहता छुदा रोग विनाश ना है और नेक भूख कम हो जाए, डॉक्टर ऐसी दवाई भूख बढ़ जाए, और यहां कहेगा छुदा रोग विनाश ना है। कुछ समझ में नहीं आता, बावले की भांति वगैरह है। अरे भैया तू ये भूख मिटा रहा है कि भूख बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है बता, क्या चाहिए? हमारी खुद समझ में नहीं, बात तो ये है मूल में, उससे पूछो तो हमारी खुद समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये तो बांच देते, कुछ खबर नहीं। क्षुधा रोग विनाश ना है, क्षुधा रोग के अभाव के लिए चटके चढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। हाँ जी तो हम कहते हैं इनसे, अरे खा जे चढ़ाओ, जो लिखे हम पकवान चढ़ाओ, ये चटके चढ़ाने से क्या होए? अरे खा चटके चढ़ाने से नहीं होगा, खाजे पकवान से नहीं होए। खाजे पकवान से तो तुम्हारी आयतनाचार अविवेक की प्रवृत्तियां तो हो ही गई हैं। चाहे जैसे घी लाओगे, चाहे जैसे शक्कर बम पटकोगे, चाहे कुछ करोगे और लायक डाल दियो और ढावा जाओ, चीटिंग और चढ़ेंगे और मरेंगे और कुछ नहीं होया। क्षुधा वेदनी के अभाव के लिए अपने आनंद रस से तृप्त होगा तब होगी तेरी।
ज्ञानामृत से अनुभव रस से तृप्त रहे नित कैसे प्यास सतावे कैसे भूख सतावे। अपने ज्ञान आनंद रस में अनुभव रस में तृप्त रहते तो भूख नहीं आती। और देखो भूख भी नहीं आती और कमजोरी भी नहीं आती। विषयों में उलझे थोड़ी देर के लिए जब अपने काम में लगे ना भूख आपको भी नहीं मालूम पड़ रही लेकिन आपकी क्षीणता हो रही है। और वहां तो अपने आनंद रस में तृप्त आहार भी नहीं है और क्षीणता भी नहीं। आप कितना ही विवेक से कितना ही आप कैसे ही आहार करोगे तो भी बुढ़ापे की चिन्ह आएंगे। और इन योगीश्वरों का शरीर केवल ज्ञान होने के बाद हजारों वर्ष तक जैसा का तैसा रहता बुढ़ापे का चिन्ह नहीं आता उसमें कोई क्षीणता नहीं। मुनीश्वरों के भी ऐसी ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं सबके नहीं लेकिन हो जाती हैं। दीप्तम च तप्तम चित्था महोग्रम भोजन इतना और सो भी क्वचित कदाचित ये एक गास दोय गास ये नीरस भोयन रय करन। ये सास गुरु की संस्कृत पूजा कैसे है मुनिराज एक घास एक आध घास लेकर चले गए नीरस भोजन में बस अपना कोई और कोई आकुलता नहीं। और तुम्हें तीन टाइम चाहिए जो टाइम चाहिए अपने अनुकूल चाहिए और तो आकुलता कितनी धरी है संबंध नहीं है। आत्मा किंचन है ये बात सच्ची है परंतु जैसा तुमने अकिंचन समझ रखा है वैसे अकिंचन नहीं। अब बिचारे उन पे है का अपन कोई करने उनको तुम बड़े कर्ता और शरणदाता बन गए। अब क्या होता कोई व्यवस्था नहीं थी फिर सोची हमने कही उनसे कही उनसे कही मने कर दी बह अपने पिताजी को कह के देखो तुम काउ से कही काय को दान एक व्यवस्था नहीं है। दान एक अपने लिए कल्याण का निमित्त है मोक्ष मार्ग की नैमित्त क्रिया है। अब आ गए बाबा जी हमने कई सब जगह गए मैंने कही फिर हमने सोची चलो अब क्या करें बेचारे अब आ गए अपने गांव में तो व्यवस्था तो कर लेंगे फिर हमने करवाओ बड़ा एहसान कर दो बड़ा अभिमान कर लो इसका नाम दान है कोई। भैया अकिंचन है परंतु जैसा अकिंचन तुमने समझ रहा वैसा अकिंचन नहीं है। आप अकिंचन माने दरिद्र को समझते हो अकिंचन माने ऐसे समझे तो कोई असमर्थ हो कर लेकिन अकिंचन है फिर भी परिपूर्ण है। जैसे भगवान के संबंध में आपने देखो अपने भगवान तो बीतरा दिए अभी तो कछु देख लेते नहीं है अपन गृहस्थ आदमी है अपन को सब काम तो अपन और काम के लिए देवी देवतन पर चले जाते ऐसे बीतरागी नहीं है। बीतरागी सर्वज्ञ और हितंकर भी तो है ना तीन लोग का हित करने में समर्थ है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें एक बार निर्वांचक भाव से भगवंतों के समीप आ तो जाओ उस विषय की चाह मिट जाएगी और वो विषय चाह मिट गई फिर कोई बात ही नहीं है मिल जाए न मिल जाए क्या करना। बैजी का गुण क्वालिटी उपकार ये नहीं है कि वे मीठी गोली देते रहते बैजी का उपकार ये है कि औषधि की जरूरत ही नहीं रहती रोग ही नहीं रहता। तो हमारे भगवंत इच्छा रूपी रोग को पूरा करते रहे तुम्हारे को और तुम नई नई इच्छाएं करते रहो ऐसा भगवान का प्रभुत्व नहीं है ऐसा भगवान का मार्ग नहीं है। भगवान का मार्ग है इच्छा रूपी रोग का ही अभाव हो जाए। सच्ची बात है जो अपने पास नहीं है उसकी हमें जरूरत नहीं है और जिसकी हमें जरूरत है वह हमें हमारे पास है। अब साहब ज्ञान तो है ज्ञान शक्ति तो है ये तो हम जानते हैं कछु नहीं जानते हूं
ऐसे जानने को जानना कहते हो? उस ज्ञान शक्ति के अविनाभावी अनंत शक्तियां हैं। सुनो, आत्मा में ज्ञान शक्ति भी है और ज्ञान शक्ति के साथ सर्वज्ञत शक्ति भी है। आत्मा बिना पढ़े लिखे, कोई कोर्स नहीं है, क्यों केवल ज्ञान का कोर्स बताना, ये शास्त्री का कोर्स, आचार्य का कोर्स, एमए का कोर्स होता है ना, ऐसे भाई केवल ज्ञान का कोर्स बताना है कोई कोर्स? क्या केवल ज्ञान का तो बहुत बड़ी बात है, आप ऊंची बातें कर रहे हो, क्यों सम्यक ज्ञान का, मत ज्ञान का कोर्स बताना? क्या किताबें हैं उस कोर्स में, सिलेबस बताना जरा। अरे सारे कोर्सों से रहित अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभवता हुआ त्रियंच सम्यक ज्ञानी हो जाता है। और गेयों को जानने की अभिलाषा से रहित अपने स्वरूप में तृप्त होता हुआ तप के प्रभाव से ही वह अवध ज्ञान और मन पर ज्ञान आदि रिद्धियां भी अपने आप प्रकट हो जाती हैं। और समस्त गेयों की ओर से विमुख होकर स्वरूप में अत्यंत संतुष्ट, सर्वथा संतुष्ट, पर बिल्कुल लीन होता हुआ जी केवल ज्ञानी हो जाता है। जानने की अभिलाषा बिल्कुल नहीं और जानने में सारा लोकालोक। अब ऐसा कोई ज्ञान बताओ आप लौकिक का, क्या जानने की अभिलाषा ना रहे और पूरा ज्ञान हो जाए। किसी विषय का भी विशेषज्ञ उस विषय में भी पूर्णता को प्राप्त नहीं है। शरीर का विशेषज्ञ, एक रोग के विशेषज्ञ होते ना, और कभी कभी वो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा भाई, दवा तो हम दे चुके, चेकअप करा लो, चेकअप इसमें तो कुछ नहीं है, दर्द तो है, फिर ले जाओ दवा। डॉक्टर साहब बात क्या, अरे तुम ले जाना, टाल देगा, झुंझला जाएगा, और अगर सज्जन होगा, भाई समझ में नहीं आ रही, वहां चले जाओ किसी और पर दिखाओ, क्यों तुम तो स्पेशलिस्ट हो ना, क्या बस ठीक है, हमने आपको बताया था ना विशेषज्ञ वह है जो उससे भिन्न अपने को जाने। अकिंचन होते हुए ही आप ऐसा मत कोई कल्पना कर लेना कोई कमी होगी, आत्मा के लिए कोई शरण नहीं, कि आत्मा को शरण की जरूरत क्या आएगी, जरूरत नहीं है आत्मा की, कोई आत्मा अशरण है क्या, कलश की भाषा बोलोगे, अब तो याद हो गई होगी, दो चार बार आ चुकी, ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण नहीं है। किस प्रश्न के उत्तर में कहा कि महाराज आपने पाप और पुण्य दोनों का निषेध कर दिया, अशुभ शुभ शुभ दोनों का निषेध कर दिया, तो ये बताओ मुनिराज किसकी शरण से प्राप्त, कैसे निश्चिंत रहते हैं? कि ज्ञान में प्रवर्तित ज्ञान की शरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण नहीं है। उन्हें नहीं लगता हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें भले लगे इनके पास पैसा नहीं, इनके पास कपड़ा नहीं है, तुम्हें भले लगे, उन्हें नहीं लगता हमारे पास कपड़ा नहीं है, वे तो कपड़े पहने वालों को भी कपड़े से रहित देखते हैं, कपड़े से रहित देखते हैं, भैया ये स्वांग बेरुपिया पना छोड़ो, और जब तक नग्नत्व की लब्धि न हो तब तक भी सबकाचार की भाषा बोल रहे हैं, अपने पद के सील के मर्यादा के अनुकूल वस्त्र पहनो, चाहे जैसे, अब पुरानी भाषा इसमें लिखी है, वो एक्टरों जैसे, और वो तुम्हारे नाटक में बनाते ना ना बहुरूपिया, नाना प्रकार के वस्त्र मत पहनो, प्रयोजन पर दृष्टि रखो, जिन वस्त्रों के पहनने का कोई प्रयोजन है कि वैसे ही,
चाहे जैसे पहन लिए, एक बालक वो एक जीवित है वो चल गए ना पहन ली, इधर तो एक पूछ इतर लटक रही, इधर लटक रही। अरे बेटा जी ने मैं कहा रखा के कछू नहीं, कहा करोगे के कछू नहीं, बेटा से याद बस। अरे कछू मतलब बी सेंस की बात, उनको दो दे रहो मत पहनो, शील और मर्यादा के अनुकूल पहनो। कहीं इतने ऐसे लटकेंगे, कहीं ऐसे ऊपर चढ़ जाएंगे, कहीं यहां तक चले जाएंगे, कहीं यहां तक आ जाएंगे। अरे कोई तुम्हारी पद है, कोई मर्यादा है, कोई आपकी वेशभूषा आपकी पहचान है कुछ की नहीं है? अरे अंतरंग का चिन्ह तो है, ये वस्त्र पहने हुए भी अपने को वस्त्र रहित देखो, शरीर होते हुए भी अपने को शरीर रहित देखो। बोलो मत ही शरीर हम नहीं है, शरीर हम नहीं है, देखो अंतरंग में ध्यान से देखे जो अशरीर, शर्म जनक जन्म ना धरे पिए न जन्ने चीर। हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं है, अरे कब हमारे वस्त्र छूटे हैं? अच्छे क्या होता है, खराब क्या होते हैं, पागल हो गए बिल्कुल। अकिंचनता आनंद रूप है तो फिर परिग्रह दुख रूप हो गया, इसका प्रतिपक्षी परिग्रह है ना। लेकिन अकिंचन धर्म का प्रतिपक्षी कौन सा परिग्रह होगा? क्यों भैया? अंतरंग परिग्रह। और अंतरंग परिग्रह ही सचमुच परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह किसी के आश्रय से होता है, अंतरंग परिग्रह किसी के आश्रय से होता है, जिसके आश्रय से होता है उसे बहिरंग परिग्रह कहा जाता है। समय सार जी में ये चर्चा है, अध्यवसान पर वस्तु के आश्रय से होते हैं, और नहीं तो कोई जैसे कहता मैंने भी अमुक वीर को मारते हैं, ऐसे कोई वंध्या पुत्र को मारता ऐसा तो नहीं कहा जाता। जैसे फूलों का सेहरा बनाते हैं ऐसे आकाश फूलों के कुसुमों का, क्यों 10-20 फूलों के नाम तो आते होंगे आपको, है एक ऐसे फूल का नाम बता जो आकाश में होता, आकाश कुसुम का नाम बताओ। अरे बताओ, ये होता ही नहीं बताएं क्या हम, होता हो तो बताएं भाई। तो ये परिग्रह जिसके आशय से होता है या परिग्रह का निमित्त है वह भी परिग्रह ही कहलाता है, बाद बाकी वह तो पर है, परिग्रह तो उसकी औपचारिक संज्ञा है। ये कपड़ा परिग्रह है कि नहीं? चलो ये दुपट्टा परिग्रह है कि नहीं? अच्छा इसी दुपट्टे को एक ध्यान मग्न मुनराज के ऊपर हम डाले देते हैं, बोलो परिग्रह है कि नहीं है? उनके लिए नहीं तो हमारे लिए क्यों? ये कोई बात नहीं। इसी दुपट्टे को हम एक मुनराज के ऊपर डाले देते ध्यान मग्न, अब कहना परिग्रह ही है, उपसर्ग होगा लेकिन परिग्रह तो नहीं होगा। उस समय भी वे निर्गंत हैं कि नहीं, अपरिग्रही हैं कि नहीं, तो फिर हम क्यों नहीं? क्या सुनो, तुम इसलिए नहीं हो, अभी कोई दुपट्टा ले जाए हमारा दुपट्टा कहां गया? ए भैया हमारा दुपट्टा जाने को ले गो? अरे महाराज और ले आएंगे। तो ठीक है ले आइए भैया, इसलिए ये परिग्रह है हमारा, इससे हम अपने को ऐसा मानते ही हमारा वेश है, इससे हमारी शोभा है, इससे हमें सुख है, ये जो भीतर में मान्यता है इसकी संभाल में हम अपने को भूले हैं। मूर्छा परिग्रह आता ना, मूर्छा परिग्रह, होश अपरिग्रह। क्यों भाई? मूर्छा परिग्रह, और मूर्छा क्या होती है शास्त्र में? ममेति मूर्छा वो तो परिभाषा है, लेकिन मूर्छा का भाववाचन आप तो जानते होंगे, मूर्छा क्या होती है?
जैसे कोई आदमी भैया वो मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया माने होश नहीं रहा, किसका किसका होश नहीं रहा, कि अपना, वो अपना नहीं तो किसी का नहीं, वो कहां पड़ा है, क्या है, उड़ा है, कौन उसकी जेब में से पैसा निकाल रहा है, कौन उसकी अंगूठी उतार रहा, उसे कोई होश नहीं। जैसे अपना होश नहीं उसे मूर्छित कहेंगे कि नहीं, तो आप समझ लेना चाहिए जैसे अपना होश नहीं है मैं कौन हूं, वह परिग्रही होता है, ये मिथ्यात्व तो नाम का परिग्रह। और आपका सब छूट जाए, मजबूरी में छूटे जाता है, जो एक छदाम नहीं छोड़ने चाहते वे सारा छोड़ करके चले जाते हैं। साहब वो तो मजबूरी है, अरे मजबूरी की बातें नहीं है कह रहे हम, यहां भी जरूरत अगर पड़ जाए, कोई आपत्ति विपत्ति उदय आ जाए तो सब चला जाता, चला जाता कि नहीं, एक नहीं दे सकते। भैया ये काम हिलने लग जा, भैया दे दे, नहीं साहब हमारी इतनी हैसियत है हम नहीं दे पाएंगे, चाहे तुम्हारा काम हो चाहे नहीं हो। देखो साहब धर्म को काम होगा, हम नहीं जानते धर्म वर्म, और एक बीमारी लग गई लाखों खर्च चले हुए, एक ऐसे चले गए पता नहीं पड़ा, एक किसी ने कोई ऐसा वो पड़ गया सब ले गया, बिल्कुल होता है ऐसा कि नहीं, मरण के काल में ही छूटता है, ऐसा नहीं रहे आप करार माफिक अधिक राखे ना रहे, पुण्य के उदय से मिली हुई सामग्री पुण्य प्रमाण रहती है, पुण्य का उदय चला जा उस जाति का तो वो चली जाए। तो चाहे परिग्रह मजबूरी में छूट जाए, चाहे मरण के प्रसंग में छूट जाए, चाहे आप छोड़ दें और चाहे थोड़ी सी धर्म बुद्धि से छोड़ दें, कहा भैया संग तो जाने नहीं है, या को कहीं उपयोग कर ले, काओ की काम आ जा, दे ले दान दे, यही सार्थक है, यही अपने संग जाएगो, अपने संग जाएगो, क्या जो अपन धरे हैं तिजोरी में धरे दे, वो अपने संग नहीं जाने, धरा का धन धरा में धरा रह जाएगा, और जो हाथों से धन दिया है वो अपने संग जाएगा, क्यों भाई खूब आपने उलीचा और सब दे दिया, छोड़ छाड़ के जी अपन बैठ गए, अपन तो अब अंतिम समय के लिए क्या करें, लला यहाँ कहा दादा क्या कह रहे जी, बेटा जी रुपया रुपया हमारे पास ये हैं, और जी तुम समारो अपने मंदिर में लगा दियो, और जहां जो कझोस कर और हमारी तो आप समाधि कर, आओ दादा बढ़िया बात, आप तो आ जाओ यहीं जाओ, दौड़गिरी में आ गए, सब छोड़ दिया जितना था वो सब क्षेत्र को दे दिया, ठीक है ना, अब परिग्रह हुआ कि नहीं, अरे क्या करने का संग तो लेने जा रहे, यही संग जाओ, यही संग जाओ, इसी का नाम तो परिग्रह है, अरे सारा सुनो ये पर पदार्थ संयोग रूप हैं, इन्हें इनके छूटने से अथवा इनको विकल्प पूर्वक छोड़ने से भी, किंचित धर्म बुद्धि से छोड़ने पर भी मैं ज्ञायक भाव हूं, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसा समझे बिना परिग्रह नहीं होता। तो महाराज जी परिग्रह के त्याग का उपदेश काय को दे रहे हैं, क्या इसलिए दे रहे हैं, तू इन्हीं की संभाल में लगे रहेगा तो आत्मा को कब संभालेगा, सच्ची घटना है, एक बाबा जी थे बुजुर्ग बहुत, तो ऐसा ही समय था, तो एक साधर्मी बढ़िया सा कपड़ा मोटा सा चदरा और वो अच्छा सा कपड़ा लेकर के आए, बाबा जी ये आपके लिए ले आए, बोले भैया हम पहनेंगे, अरे महाराज अच्छो सो मोटो सो कपड़ा है, ठंड बचेगी खूब अच्छो है, बोले भैया आप ठंड जब आए तब देखेंगे, अब एक का देखें हम जे कपड़े ही समात रहे हैं तो आत्मा कब संवारेंगे, ये है मूल व्यवस्था धर्म बुद्धि इसका नाम। हम कहते हैं व्यवहार का उपदेश ये है
कि जितनी लगन से आप अपना पैसा, व्यापार, घर, बाल बच्चे, शरीर संभालते हो, उससे अनंत गुनी सावधानी और लगन समर्पण भाव से अपने परिणाम संभालने के लिए उद्यमी, तब तुम इस आकिंचन धर्म के पात्र बनोगे, धर्म नहीं आएगा। और जब अपने को ज्ञायक भाव समझा, होश आया कि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, मूर्छा टूट गई। या भवन के माही जी बस मोह गहल सूतो सदी, उपदेश तथा सहजही प्रबोध जब ही जागत जो उठत जो, तब चितवत अपने माहिया हूँ चिदानंद नहीं पुण्य पा, मेरो नहीं रागादिभा, ये तो विधि बस उपजे विभा। ऐसे उठता है जैसे सोई हुई जोधा, वे उठो सेना आई, झगड़ा हो गया। लक्ष्मण जैसे उठे शक्ति, कहां गया रावण, कहां गया रावण, कहां गया रावण, ये क्या ना। अब वहां उनकी लगन थी, ऐसे उठे तो आत्मा 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 आत्मा, इसका नाम जागृत है। अपना होश नहीं है, पर मैं मूर्छित हो रहा है, इसको संभालना उसको संभालना, ए संभाल के ले जाइयो, मैं संभाल सकता नहीं, संभाल के ले जाइयो, अपना मत मान लियो, ये है अर्थ उसका जी। 10 लाख रुपया ले जाइयो भैया, उन्हें दे दी, संभाल के ले जाइयो। संभाल के लेने का मतलब क्या है, अपने मत मान लेना। अरे अरे कुछ होश है तुम्हें, शरीर को संभालना, शरीर को अपना नहीं मानना, शरीर को अपना मानने से ना शरीर संभलेगा ना परिणाम संभलेंगे, और शरीर से भेद ज्ञान करेगा तो तेरे परिणाम भी संभलेंगे, और शरीर शरीर की ज्यादा चिंता, शरीर पूछे अब महाराज शरीर, अरे शरीर अपनी योग्यता से अभी भी परिणाम रहा है और फिर भी परिणाम है। व्यवहारिक दृष्टि से भी आपको कहा था, शरीर जितना कुपथ से विपरीत विचारों से आपका बिगड़ता है उतना किसी से नहीं बिगड़ता, चिंता से, शोक से, ईर्ष्या से, भय से, शोक से, भय से, क्रोध से, अभिमान से जितना बिगड़ता है उतना रूखा सूखा भोजन मिले उससे नहीं बिगड़ेगा, गर्मी से नहीं बिगड़ेगा, सर्दी से नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि विपरीत विचार ऐसे तीव्र होते हैं उनसे पाप कर्म की उदीर्णा होती है, पाप कर्म का उत्कर्षण होता है, तब स्वस्थ शरीर भी रोगी रूप हो जाता है। ये निमित्त नैमित्त संबंध है, और चिकित्सा क्षेत्र में इन बातों की आज खोज कर रहे हैं। देखो भाई टेंशन छोड़ना पड़ेगी आपको, अब क्या करें साहब, टेंशन तो हो ही जाती है, तो फिर दर्द भी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, हम क्या करेंगे, टेंशन तो आपको छोड़नी। अब छूटे कैसे, तो उस टेंशन को निस्सार जाने तब छूटे ना। आत्मा की अरुचि व क्रोध परिग्रह है, पर से बड़ा माना, स्वभाव से महान, आत्मा की स्वाभाविक महानता और सर्व जीवों की समानता को नहीं जाने तो मान नाम का परिग्रह है। ये परिग्रह जो इतने भी होते हैं वो आत्मा से विपरीत परिणाम है, आत्मा से विमुख नहीं हो तो कोई परिग्रह नहीं आए। इसलिए जो जीव परिग्रह से रहित हुए हैं वे आत्मा के आश्रय से हुए। आत्मदृष्टि वाला जीव 6 खंड में रहता हुआ भी अनंतानवंदी परिग्रह से रहित है, उस ज्ञानी धर्मात्मा को 6 खंड का वैभव है, उसको ये रहता है परमाणु मात्र मेरा नहीं है, तब छूटे बे धन्य है।
वह निर्ग्रंथों की भक्ति करता है, निर्ग्रंथों की द्वारा अपेक्षण करता है, निर्ग्रंथों की निर्ग्रंथ दशा की भावना करता है। और आपके पास इतनु है तो इतने की भावना कर रही, इतनु और हो जाए, इतनु और हो जाए, इतनु और हो जाए, इतनु और हो जाए। परिग्रह किसको ज्यादा आप सोच लो, अंतर में इन पर द्रव्यों के प्रति जो मेरापन का भाव हुआ वो परिग्रह, ममेती परिग्रह है ना, तो अपने उसको मेरा माना तो अपना स्वरूप भूल गया, मेरा कौन है, पराये चक्कर में अपने को भूल जाता है। कोई बात व्यक्ति नोट गिन रहा था, नोट गिनना तो अच्छा लगता ही है सब, नोट गिन रहा था। एक बालक आया, वो खेलने छोटा था बालक, अब उसमें लग गए, भूल गए, भूल जाते कि नहीं, भैया ले जाओ इसको। अरे कहां ले तुम, ये इसने बुला और दिया हमारा, सब हिसाब गड़बड़ हो गया। बुला दे ऐसी जो भाषा लिखी है, बोलो ये परिग्रह आपा बुलाए, संकलेश परिणाम करा, आरंभ में फंसा, आरंभ रूप प्रवर्ताता है और नरक आदि में ले जाता है, और तो अभी मूड इसको मानता है अपना और इससे मानता है अपनी शोभा और बड़ापन। अरे भैया जब तक न छूट सके तब तक इसे अपना मानना तो छोड़, इसे अपनी प्रतिष्ठा और अपना बड़ापन मानना तो छोड़। मिथ्यात् परिग्रह छूटेगा तो सर्व परिग्रह छूटने के लिए अवसर है, और मिथ्यात् परिग्रह नहीं छोड़ेगा तो ये समझो एक भी परिग्रह नहीं छूटे। एक दिन बोले देखो भैया अपन तो जो कर सकते हैं तो करते भी हैं, कोरी बातें कर भी तो कोई फायदा नहीं, ऊंची ऊंची चर्चा कर ले और जीवन में करो कुछ नहीं। भैया क्या करो तुमने, क्या देखो और भी बातें बताई है, परिग्रह की चर्चा है। बोले हमने तो अपने परिग्रह का प्रमाण कर दिया, चार मकान अपने रख ले, 20 लाख रुपया रख लो, आधा किलो अपना सोना जीवर अपना रख लिया बस, है 50 जोड़ी कपड़ा रख ले हमने, ठीक है और का 100 जोड़ी पहनोगे, 20 मकान में रहोगे, भारी अपनी मने ऐसा दिखा रहा जैसे कोई बहुत बड़ी धर्मात्मा हो गई। भले आदमी 4 मकान रख लाए, 4 मकान रखने वाला तू होता कौन है, होता कौन है ये बता पे। एक स्त्री दृष्टांत अच्छा नहीं है लेकिन क्या करें, खोटे के लिए खोटा दृष्टांत देना पड़ेगा, विषय जहर है, कोई दृष्टांत आग है ये इच्छा रूपी इच्छा अग्नि है, तो जैसा है वैसा दृष्टांत। हमने कहा एक स्त्री ये कहे हमने 5 पुरुषों का प्रमाण कर दिया, बोल भाई बोलो चलेगा। अरे शीलवती कहते उसे हैं जो अपने पति में संतुष्ट है, 5 कैसी बातें करता है, 2 की गुंजाइश नहीं है, तू एक घर के अलावा तो उस घर को अपना मानता है, अपने निज घर के परिग्रह 5 कर दिए, 5 रख दिए। अरे ठीक है अनाप शनाप का छोड़ दिया, थोड़ी कसाय मंद हो गई, ठीक है थोड़ा सा पुण्य बनेगा, लेकिन तू इसके बल पर सोचे हम धर्मात्मा हो गए। धर्मात्मा होने के लिए तो ये बात समझ, परमाणु मात्र मेरा, 5 घर और 25 जोड़ी कपड़ा और 1-2 किलो सोना और 20 लाख की कहां से ले फिरता है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ना तेरे चाहने से आता है, ना तेरे रखने से रहता है, और ना तेरे अच्छे कार्य में उलीचने से कम होता है। हाँ खोटे कार्यों में उलीचेगा, अभिमान पूर्वक विषयों में पानी की तरह बहाएगा है। हम कहते बड़ा दुस्साहसी आदमी है, दुस्साहसी इसलिए खोटा साहस, ये संसार वैसे तीर्थंकर डरे नहीं डरते, बड़े सुबट हैं, बड़े सुबट हैं, ये व्यंग किया ऐसे हम कहा बड़ा साहसी है के एक एक दिन की डेकोरेशन में लाखों खर्च कर दी थी, 5-5 हजार के लोग सुना थे, हम तो सुन के 5-5 हजार जूता पहन ले, 5 हजार में एक सामान्य आदमी का 1 महीने का खर्च चल जाए, आज भी अब लगता है हम कचूर हैं बड़े आदमी हैं। अरे बड़े आदमी हो तो सादगी से रहो, एक आदर्श स्थापित करो और दान पुण्य परोपकार में खर्च करो, 5 हजार के जूता पहन भी से बड़े आदमी नहीं हो गए,
बड़े अहंकारी हैं। और भाषा भूलभाव मत, बड़े पापी हैं। परिग्रह पाप है ना, बोलो पाप नहीं हो तो कहो ना। अजाब चक्रवर्ती वो ऐसा, अच्छा चक्रवर्ती परमाणु मात्र अपना नहीं है, ये अंतर में दृष्टि थी और भेद ज्ञान भाता था, तू क्या कर रहा है, तू चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती अब सामने नहीं है अभी, और अगर मान लो सामने ज्ञान में हम विषय बना है तो आज भी तो सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन चक्रवर्ती अवस्था को हम अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। भरत चक्रवर्ती से यदि हम कहें महाराज ये आपका चेखंड का राज, और ये बोले हमारे पास कहा है, उनके पास था, उनके पास था, ऐसा नहीं बोले थे। अरे ये कलंक है, कब छूटे, परमाणु मात्र मेरा नहीं। और तुम कह रहे वो साहब चक्रवर्ती के पास इतना था, हमारे पास तो कुछ नहीं है। टोटोमल जी ने इन अर्थों में लिखा है भरत आदि के उदाहरण से, यह तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा। परिग्रह से अपनी प्रभुता मानेगा अपना तेरा बुरा होगा। पुण्य के उदयवान महापुरुषों के जीवन को लेकर के परिग्रह का पोषण, पक्ष का पोषण करेगा तो तेरा बुरा होगा। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, फिर भी मैं अपने अनंत वैभव से परिपूर्ण हूं, ऐसा समझना वह आकिंचन धर्म है, ऐसा समझें और ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थी रहें। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप नंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप।